एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है संडे एंड आज हम लोगों को अभिलाष की बुआ ने दावत पे बुलाया हुआ है। सो, शादी के बाद उन्होंने बहुत बार बुलाया एक्चुअली में, लेकिन आज हम लोग के पास टाइम हुआ है क्योंकि इससे पहले काफ़ी बार हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। सो, आज दिन होने वाला है बहुत लंबा, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उनके घर में जाएंगे बहुत सारे। अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 7:30 अराउंड। टाइम क्या हो रहा है? 7:30 अराउंड। हम लोग सोए नहीं है, रात से हम लोग वैसे ही जगे हुए हैं क्योंकि अभिलाष का कल ऑफिस था। मैं सोई हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभिलाष नहीं सोया है, अभी भी बेड पे ऐसे ही लेटा हुआ है। तो अभी हम लोग फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं एंड देन पूरे ब्लॉग को जैसे जैसे चलता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे अभी बन रहा है हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट। अभी आज नाश्ते में क्या बोलते हैं, टमाटर कटा जा रहा है यहाँ पे, और एक है ये मेरा पति जो पूरे टाइम क्राइम पेट्रोल देखता रहता है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, कोई दुनिया में है नहीं है, उसको सिर्फ ऑफिस करना होता है और इसी वीडियो बन रहा है। सही से बैठ तो जाओ, पूरा दिन क्राइम पेट्रोल चलता रहता है मेरे घर में। ये देखो पीछे, बाई चांस मुझे अगर कुछ हुआ तो सब लोग इसी को आगे पकड़ना क्योंकि इसने मर्डर करने के काफी सारे वे ढूंढ रखे हैं। कितने टाइप के मर्डर करना सीख गए अब तक है? ऑलमोस्ट सभी कुछ। उठ के बैठ जाओ थोड़ा सा, हाफ पैंट में एकदम पूरे संडे वाले जोन में बैठा हुआ है, कोई किसी से मतलब नहीं है। ब्लॉग बन रहा है, लोग देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। कॉमेंट्स करेंगे लोग, कपड़े नहीं है इनके पास फिर गिफ्ट कर दो। तो चलो अब मैं फटाफट से नहाती हूँ क्योंकि मुझे ही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। मैं बार बार यहाँ पे घड़ी देख रही हूँ, हमारा जो घड़ी था ऊपर वो खराब हो गया है, यहाँ पे घड़ी लगा हुआ तो खराब हो गया इसलिए उतार दिया कल शाम को हमने। सो अब जाती हूँ नहाने। सो गाइस, यहाँ पे मेरा नहाना हो चुका है कम्प्लीट एंड आज सबसे बड़ा काम हुआ है जो कि है हेयर वॉश। आई होप जितनी भी लड़की है वो सब रिलेट कर पा रही होगी कि हेड वॉश करना एक वीक में कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके हफ्ते में ये हेयर वॉश हो जाए ना, आप पूरे वीक के लिए सॉर्टेड रहते हो। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है हेयर वॉश अगर रहता है तो मैं पूरे वीक में आराम से निकाल सकती हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 days तो आराम से निकाल सकती हूँ। एंड अगर ये नहीं हुआ होता तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे, और मुझे स्पेशली नहाने में उस दिन टाइम लगता है जिस दिन मेरा हेड वॉश होने होता है। सो एनी वेज, आज जब ब्लॉग शेयर ही कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं अपना डे केयर स्किन, जो डे टाइम स्किन केयर रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से मैं पहले क्लीन कर चुकी हूँ एंड देन मेरा फर्स्ट स्टेप होता है जो कि है टोनर। सो मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब का रोज टोनर, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एक ये एंड दूसरा इसी का वेरियंट है, एक दूसरा वाला ग्रीन टी। सो मैं इसको फटाफट से लेके इसको यूज़ कर लेती हूँ एंड ये इतना अच्छा है, इतना रिफ्रेशिंग सा आपको फील करवाता है। आप स्प्रे करते हैं ऐसा लगता है कि सारे रोजेस आप एक साथ आपके फेस में बिल्कुल आ चुके हैं। बहुत रिफ्रेशिंग टोनर है, आप इवन इसको डे टाइम में भी किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टोनर है ये। आफ्टर दैट थोड़ा सा ये अब सूख जाता है फेस में, ये अब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पर मेरा टॉवल जो है निकल रहा है, इसको भी निकाल के यहाँ पर रखते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया टोनर, टोनर ऑलमोस्ट एब्सॉर्ब हो चुका है फेस में। एंड देन हम जो यूज़ करेंगे वो है गुड वाइब्स का ही रोज हिप सीरम। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड वन ऑफ माय फेवरेट सीरम्स है ये बहुत अच्छा है, नॉन स्टिकी है, फेस को बहुत सही रहने देता है ये। जस्ट मैं 2 drops लूँगी एंड दैट्स इट, इसको अच्छे से अपने फेस में पता। स्किन केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मेकअप करो मेकअप ना करो, बट डे टाइम एंड नाइट टाइम स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं क्लेंजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, अब होगा मॉइस्चराइजिंग। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ बायोटेक का ये बायो मॉर्निंग नेक्टर, मैं इसका नाम हमेशा भूल जाती हूँ। सो बायो मॉर्निंग नेक्टर, ये मॉइस्चराइजर की मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है स्किन में। सो इसको मैं फॉर्म में लेके ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ओ माय गॉड, ये निकल गया, रेडी वेज निकलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्रोडक्ट है।
सो इतना सा इज मोर देन इनफ फॉर माई फेस। सो इसको अब मैं सामने अच्छे से वार्म अप करके देन, एंड मेरा जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, सो वेदर के अकॉर्डिंग मेरा स्किन जो है वो चेंज होता रहता है। सो मुझे ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से सूट करते हैं, बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स हैं इन सब के। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने टोनर आप लोगों को दिखाया वो नॉन अल्कोहलिक है, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, सिरम का भी वही है, एंड ये मॉइस्चराइज़र तो मस्ट ट्राई है। यहाँ पे अभी आप लोगों को मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्यूई ड्यूई दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में पूरे फेस में अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो मैं इसको अच्छे से अपने नेक एरिया में स्किन में यूज़ कर लूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज दे दूँगी, एंड जो रेस्ट रिमेनिंग जो क्रीम है उसको वेस्ट नहीं करना, उसको अपने हैंड्स में लगा दो, क्योंकि हमारे हाथ सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत इसको वॉश करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हाथों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। सो जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा आप लोगों का वो आप हमेशा अपने जो हैंड्स है उसमें यूज़ करना। यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है डे टाइम स्किन केयर रूटीन। नहीं, एक चीज़ और है, मैं निकलने से पहले, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8 or 8:30 अराउंड, सो हम लोगों का निकलते निकलते अभी 10 or 10:30 हो जाएगा। सो निकलने से पहले मैं यूज़ करूँगी ये सनस्क्रीन, जो कि है न्यूट्रीजेना का सनस्क्रीन विद SPF 50 सनब्लॉक। एंड ये सनस्क्रीन बिना यूज़ किए मैं घर से दिन में कभी नहीं निकलती, मेरे घर में सनलाइट का इतना वो नहीं है, सो इसीलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन निकलने से पहले मैं इसको ज़रूर अप्लाई करूँगी, यानी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। एंड आप लोग कभी भी निकले घर से बाहर, सो ज़रूरी है कि आप लोग सनस्क्रीन एक ज़रूर यूज़ करें, कुछ करें ना करें। सो यहाँ पे होता है मेरा डे टाइम स्किन केयर रूटीन कंप्लीट, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा देखने में। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर ही रहे हैं तो एक बार दिखा देते हैं डे टाइम स्किन केयर रूटीन, एंड यस अभी करते हैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू। अब जब तक घर के बाकी लोग नहा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तब तक मेरे हेयर जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, एयर ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी ब्लो ड्राइंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करूँगी, और यूज़ करना भी नहीं चाहिए अनटिल और अनलेस सबको बहुत ही अर्जेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है। सो मैं भी यूज़ नहीं करती, एंड आज भी नहीं करूँगी ऑब्वियसली, एंड बस तब तक है वो हेयर अच्छे से वो हो जाए, देन निकलने से पहले बस थोड़ा सा हम लोग मैं मेकअप करूँगी एंड देन मैं निकलूँगी। एंड अगर आप लोग प्रॉपरली स्किन केयर करते हो ना गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप लोगों को ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। ऑफकोर्स ओकेशनली आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस इट्स बेटर कि आप स्किन केयर पर ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन कि आप मेकअप प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, मैं ये पहले रेडी हो चुके थे, पापा और शंभू भी रेडी हो चुके हैं। सो बस अभी हम लोग निकलेंगे, कितना टाइम हो रहा है अभी, दस बज चुका है। सो बस अब निकल रहे हैं फटाफट से, अभी हम लोग सब लोग निकल चुके हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं, मैं और अभिलाष पीछे बैठे हुए हैं, बस बुआ के घर के लिए थोड़ा बहुत, एंड देन जाएंगे सामने ही है सीआर पार्क से मिठाई लेकर। तो ये है सीआर पार्क का एक नंबर मार्केट। सो मिठाई विठाई लेना हो चुका है, एंड बस लोग जा रहे हैं, लोग पहुंच गए बुआ के घर पे, एंड ये जो हाथ में देख रहे हो आप लोग ये है बुआ लोगों के लिए साड़ियाँ, जो मेरी शादी के टाइम से मेरे घर से आया हुआ था।
वो सारी अभी हम लोग देने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों का आना हुआ नहीं इनके घर पे। सो अब हम लोग देंगे उनके घर पे जाके ये सारी, मतलब बुआ एंड बोदी दोनों के लिए। क्या होना चाहिए पिछले बुआ यहाँ पे खाना बना रही है। पिशी की बात छो आज के ढाबे में जानते हैं এটা কি মাংস বিশে বিরিয়ানি হবে ও মা গো আর চিংড়ি মাছ করেছি সব ফেভারিট আমার বিরিয়ানি আমি দু নম্বরে বুঝতে পেরে গেছি এমন গন্ধ দিয়েছে কেমন আছো দাদা বাস ভালো তুমি কেমন আছো ভালো আছি বৌদি কই বৌদি চান করতে এবার বাথরুম থেকে বের হতে দাও দাও কি রে ঠাকুর দিতে হলে ভাতটা ধুয়ে রাখতো সেটা বলছি ये है बुआ लोगों का मंदिर, बहुत ही सुंदर सा, कॉम्पैक्ट सा, बहुत यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। चल झूठा लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा चाय शिवो कम करो स्पेशल चाय बहुत ही रखी কালারফুল পাপড় খুবই সুন্দর সব নতুন भाभी ने बनाया एक प्यारा सा सैलड एंड ये पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है प्रॉन्स है, ये है रायता, अभी मेन आइटम आना बाकी, ये प्रॉन्स ही है, प्रॉन्स उच्च चिंगड़ी माछ सैलड रायता आर के यहाँ पे है बिरयानी रायता प्रॉन्स सैलड। पापा ने खाना भी स्टार्ट कर दिया सबसे पहले यहाँ पे, और कोई भी नहीं बैठा है अभी तक। शिवो तुम्हारा কেমন আছো বিরিয়ানি বাবা এদিকে তাকে বলো পিসি গুলো সব सब बना दिया था सब कुछ। सो खाना खा लिया है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक एक आइटम इतना टेस्टी बना था, रेस्टोरेंट फेल है, बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत टेस्टी। सो अभी पेट भर चुका है, अभी करेंगे गप्पे। लगा लंच, लंच वाज सुपर्ब, एक एक चीज बहुत अच्छा था ना, बिरयानी आउटस्टैंडिंग, रेस्टोरेंट फेल बिरयानी, और जोड़े बोलो प्रॉन्स का जो बनाया था ग्रेवी बहुत अच्छा था, रायता भी बहुत टेस्टी था, रायता इज was very good, salad भी बहुत अच्छा था, मुझे हर चीज बहुत अच्छी लगी, मैंने सब खाया, एक एक आइटम बहुत आइटम अच्छा, and I enjoyed the lunch। और ऐसा होता है ना कभी कभी कम डिशेस बने ना तो खाया भी जाता है प्रॉपरली, अगर बहुत सारा डिशेस बन जाए ना तो खाना मुश्किल हो जाता है, उसमें क्या होता है ना खाने से ज़्यादा वेस्टेज ज़्यादा होता है। यहाँ पे आइटम्स कम थे लेकिन प्रॉपर जो पसंदीदा आइटम्स थे वो सब थे, तो बहुत अच्छा लगा। अरे बस करो खेदते কুর্তা পরেছিল তখন পুরো মুখটা তো তোলো, মুখ ছাড়া আসছে।
यहाँ पे चल रहा है अभी चाय पीना दोपहर के खाने के बाद, सब सो गए थे हम लोग। चाय अगर चाय नहीं घूमे ही अच्छा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। आशो बाय जी भाई। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है सो अब और कुछ नहीं है सो वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे एंड आज का वीडियो बस यही तक के लिए है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। टिल देन अपना ध्यान रखिए, से प्यार कीजिए एंड बाय।